हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरकार एड ग्रुप में। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने क्या लिया बहुत ही बड़ा फैसला, सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलने वाली छूट जो है कब से बहाल होगी, इसी को लेकर दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी नई अपडेट और जानकारी के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेल जो छोटी बड़ी अपडेट आप सभी को इस तरह मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मार्च 2020 से, यानी जब से दोस्तों कोरोना काल यहां पर चालू हुआ है, जब से दोस्तों यहां पर सीनियर सिटीजन जो है उनको किराए में, रेल किराए में जो छूट मिलती थी, इसको दोस्तों बंद किया गया है। इसको लेकर दोस्तों सीनियर सिटीजन, जब सब चीज़ सामान्य हो गया, इसको लेकर दोस्तों सीनियर सिटीजन काफ़ी यहाँ पर, आपको बता दें, उन्होंने दोस्तों काफ़ी आवाज़ उठाया कि दोस्तों इसको केंद्र सरकार, जो यहाँ पर रेलवे है, इसको जल्द से जल्द बहाल करे। लेकिन दोस्तों अभी तक उनको किसी भी तरह का जो आपको सीनियर सिटीजन में छूट मिलती थी, इसको दोस्तों बहाल नहीं किया गया। इसको लेकर दोस्तों संसद में भी काफ़ी यहां पर सवाल उठा और रेल मंत्री ने दोस्तों साफ यहां पर मना कर दिया। फिर दोस्तों बता दें, संसद की स्थायी समिति ने रेलवे को यहां पर, आपको बता दें, यहां पर कहा कि आप इसकी समीक्षा करें और फिर से कम जो भी यहां पर कमज़ोर वर्ग है, जो यहां पर हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन जो कि दोस्तों रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने जो ज़िंदगी भर टैक्स दिया, अब दोस्तों उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो दोस्तों पूरा यहाँ पे किराया देकर रेल में सफ़र कर सके। इसके कारण दोस्तों जो सीनियर सिटीजन जो है वो रेल में किराए के चलते सफ़र करना भी उन लोगों ने काफ़ी कम हो गया। एक दोस्तों आंकड़ा भी पेश हुआ था जिसमें दोस्तों सीनियर सिटीजन जो है रेल में आपको सफ़र करना काफ़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसे में दोस्तों रेल मंत्री ने, आपको बता दें, संसद में उठे सवाल को यहाँ पर जवाब दिया और दोस्तों उन्होंने कुछ यहाँ पर आंकड़ा पेश किया, जैसे कि दोस्तों साल दर साल एक वित्तीय वर्ष में 2022-23 में, या दोस्तों 22-23 में चालू नहीं हुआ, 19-20 में, या दोस्तों 18-19 में, क्या दोस्तों रेलवे को यहाँ पे सीनियर को छूट देकर क्या यहाँ पे बोझ पड़ा था। दोस्तों उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था जिसमें लगभग, आपको बता दें, 1500 करोड़ का हर साल वित्तीय यहाँ पे खर्च रेलवे को पड़ रहा था। इसको दोस्तों रेल मंत्री ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि हम इसमें जो यात्री सेवा में जो भी यहाँ पर दी जाती है उसमें दोस्तों पेंशन और राशि काफ़ी अधिक है और सीनियर को छूट यहाँ पर हम नहीं दे सकते। हालांकि दोस्तों कई यहाँ पे विकलांग कैटेगरी सभी में छूट दोस्तों धीरे धीरे बहाल हो गई, लेकिन दोस्तों सीनियर सिटीजन जो है उनको यहाँ पे छूट बहाल नहीं की गई। जो हम आपको बता दें, मूल किराए में 40% 58 वर्ष से ऊपर पुरुषों, महिलाओं को यहाँ पे 40% और 50% की छूट सभी कैटेगरी में, यानी दोस्तों 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, सभी ट्रेनों में मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों बता दें, ऐसे खबरें आ रही थी मीडिया में कि रेलवे जो समीक्षा करके इसको 3rd AC और स्लीपर क्लास में लिमिट करने की बात यहाँ पे आ रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक सूचना इस पर निर्णय लेना अभी तक बाकी है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, किसी ने सीनियर सिटीजन ने याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ इनकार कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह की जो है हम आदेश जो है केंद्र सरकार को पारित नहीं कर सकते, ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है, अपने खर्च, वित्तीय खर्च को देखकर इसको बहाल करना है या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों सीनियर सिटीजन जो है अभी यहाँ पे मांग यहाँ पे अड़े हुए हैं और दोस्तों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दोस्तों हो सकता है लोकसभा इलेक्शन का, जैसा कि आचार संहिता भी लागू हो गया और लोकसभा का दोस्तों इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, हो सकता है दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से कभी भी इसके अनाउंसमेंट की जा सकती है, या दोस्तों अगले वर्ष, या दोस्तों अप्रैल के माह में इसके अनाउंसमेंट की जा सकती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।